दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Redmi 5A फोन को बैटरी डेटा रीसेट कैसे करें। एकदम ही आसान है, अपना जो डेटा है वो बैकअप ले ले, जैसा कि है फोन के कॉन्टेक्ट्स है, फोन के इंटरनल मेमोरी में जो कोई भी फोटोज है, कोई एप्लीकेशन जो आपके काम की है वो आप बैकअप ले ले, ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। ये फैक्टरी डेटा रीसेट में जाने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे लास्ट में मूव करना है, एडिशनल सेटिंग में जाना है, और एडिशनल सेटिंग में आपको लास्ट में बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिखेगा। वहां से अंदर और जाएंगे तो फैक्ट्री डेटा रीसेट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ये आपको ऑप्शन क्लिक करना है। ये आपको दे रहा है कि आपकी सारी फाइलें इरेज हो जाएगी, आपने बैकअप तो ले ही लिया होगा, तो सिर्फ आपको ये रीसेट फोन बटन पे क्लिक करना है। और ये आपको फिर भी एक वार्निंग देता है कि आपके सारे फोटोज डिलीट हो जाएंगे ऐसा करके, और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए कुछ काउंटर जैसा दिखा रहा है, और उसके बाद ही नेक्स्ट बटन आता है, ताकि गलती से भी आपको ये बटन दब गया होगा तो ये डेटा आपका लॉस ना हो। ये सेकंड खत्म हो जाने के बाद ये नेक्स्ट का बटन आता है, नेक्स्ट करने के बाद ये फिर से पूछता है कि आपने बैकअप ले लिया होगा ऐसा कुछ, और हम ओके करेंगे। ये सेकंड खत्म हो जाने के बाद ही ओके होगा, ओके करेंगे तो ये पूरा फोन फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे सारी एप्लीकेशन, सारी फाइल्स, सारे कॉन्टेक्ट्स, ये सब इस फोन में से डिलीट हो जाएंगे, और जैसा कंपनी में से आया था वैसा नया फोन हो जाएगा। इंटरनल मेमोरी में जो कोई भी है, मेमोरी कार्ड में जो कुछ भी है, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ये लोड लेता है और अभी वाइब्रेट हुआ, अभी रिस्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेटिंग जैसा चल रहा है, फिर से वाइब्रेट हुआ, फिर से एमए का लोगो आया, अभी पावर्ड बाय एंड्रॉइड करके नीचे आया और लोड हो रहा है। अभी ये लोड लेगा और बाद में रिस्टार्ट हो जाएगा फोन। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम हमने उसको ओपन किया था वैसे ही फोन का सेटिंग और वो सब वगैरह दिखने लगेगा, और बाद में मैं जो भी जीमेल का अकाउंट है, जो भी बैकअप हमने लिया है वो कंप्यूटर से इसमें रिस्टोर करना है, वो सब वगैरह हमारी प्रोसेस रहती है। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, और अगर आपको ये स्टेप फॉलो करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।